सबधाल में डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसे लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। पाकुड़ के गोकुलपुर हटिया मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन शिरकत करने वाले हैं। यहां काफी संख्या में संथाली समाज के लोगों की भीड़ पहुंची है। और बारिश जो मांझी परगना महाल का जो महासम्मेलन है, इस सम्मेलन को कैसे सीधे तौर पे इस सम्मेलन में लोग कैसे जुटे और ये सम्मेलन भव्य हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारे साथ मांझी परगना के जो प्रमुख है वो यहाँ पर हैं, जो पूरे संथाल के सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे। सर आज क्या क्या कार्यक्रम होना है? आज के कार्यक्रम केवल मांझी या परगना को संबोधित करते हुए समा जो पाकुड़ जिला पिछड़े जिला है उसको विकास करने में लगेंगे, और एक जजमेंट जो हम लोग का 13 जिला पर है, 13 जिला के आधार पर उसको मतलब काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बनाना है, और उसमें से 25 आदमी रहेंगे, उसमें सभी जात के सिवा निर्भित भी कार्यक्रम करेंगे, प्रधान परगणित भी सदस्य बनेंगे और 7 सदस्य अन्य माने माइनॉरिटी जाति रहेंगे। उसमें से जिला की विकास, जिला की कई तरह की काम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि व्यवस्था है। आज मांझी परगना महासम्मेलन जो देखा जा रहा है, ये काफी तैयारी के साथ और काफी शिद्दत के साथ संथाल बनाकर धरती पर इतिहास रचेगी, और जिस प्रकार यहाँ सीधो कॉलो चांद बेरा फूलो जानो तिलका मांझी वीर बजल और खासकर जितने हड़मा देश मांझी है, कुल मिला के एक हम सभी का जो व्यवस्था है मांझी परगना व्यवस्था, उन सभी को सुदृढ़ करने के लिए, उसे सशक्तिकरण करने के लिए जो आगाज पूरे संथाल परगना प्रमंडल में इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किया जा रहा है, ये काफी जुनून के साथ यहाँ पर मांझी परगना व्यवस्था के साथ जुड़े हुए गुढ़ित प्राणी की लेखा जन और यहाँ के सामाजिक बुद्धिजीवी लोग एक जुटान में शामिल हो रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि वाकई जो यहाँ के जो आदिवासी है उनका अस्तित्व खतरे में है। यूं कहें कि लगातार चंपाई सोरेन लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं कि पूरे संथाल की बात करें तो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी जो है ये एक बड़ी समस्या है। आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है, इस पर चिंता करने की जरूरत है, और निश्चित तौर पे आज का जो ये महासम्मेलन है बहुत कुछ परिवर्तन लाएगा, और ये परिवर्तन यहाँ के युवाओं, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग करेंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, पाकुड़। पाकुड़ के गोकुलपुर हटिया मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल होंगे इस सम्मेलन में। आपको बताया कि संथाल डेमोग्राफी चेंज घुसपैठ के खिलाफ बेगोल फूंका जा रहा है, तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन में शिरकत करेंगे इस महासम्मेलन में। मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन पाकुड़ के गोकुलपुर हटिया मैदान में डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर यह महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। मांझी परगना महासम्मेलन संथाल डेमोग्राफी चेंज घुसपैठ के खिलाफ बिगुल मांझी परगना महासम्मेलन के जरिए। आपको बताया कि पाकुड़ के गोकुलपुर हटिया मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, और इस महासम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल होंगे। और इसे लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पाकुड़ से मनोज जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन आज पाकुड़ के गोकुलपुर हटिया मैदान में किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल होने वाले हैं। जो घुसपैठ का मामला है संथाल डेमोग्राफी चेंज को लेकर, ये इसे लेकर जो बिगुल फूका जा रहा है इस महासम्मेलन के जरिए, क्या कुछ होता है तैयारियां मनोज? देखिए निश्चित तौर पे ये बड़ा सम्मेलन है, मांझी परगना महाल का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन कहे तो महासम्मेलन है इस संथाल में, और वो भी पाकुड़ में।
जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर अगर है तो वो है बांग्लादेशी घुसपैठी। जो आदिवासी है, आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है, आदिवासियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और साथ साथ सबसे ज्यादा अगर लोग यहाँ परेशान है तो और चिंतित है तो माँ बहन और बेटियों को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठी है ये लोग उसी को सॉफ्ट कॉर्नर मानते हैं महिलाओं को, और उसके बाद अपने कब्जे में करते हैं। एक बार भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको, एक बार अपने एक बार भीड़ देख लीजिए, भीड़ देखिए कि देखिए सीधे मांझी परगना महासम्मेलन सीधे जहाँ पे चंपाई सोरेन का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ और स्टेज, और भीड़ कम से कम नहीं होगा तो 50,000 से ज्यादा लोग जुट चुके हैं और धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ती जाएगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आने में थोड़ा वक्त है, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से वो लैंड करेंगे और उसके बाद सीधे पहुंचेंगे इस कार्यक्रम स्थल पे। तो कार्यक्रम पर स्थल पे आने से पहले जो ये भीड़ है महिलाओं की, पुरुषों की, और खासकर जो मांझी परगना के लोग हैं, जो मांझी बाबाई लोग हैं, आखिर उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। इस सरकार ने 5 साल हुआ, लेकिन 5 साल में इस सरकार ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, और उसी का ये कहीं ना कहीं उसी के अंदर जो आक्रोश है ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक लंबा सा हम दाहिने तरफ का भी दृश्य अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पंडाल के बाहर भी लोग खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्य अतिथि का, चंपाई सोरेन जी का, और उसके बाद जब वो आएंगे तो सीधे बाएं तरफ का भी, पंडाल से भी बाहर और पंडाल के बाहर हम खड़े हैं। अब आप समझिए भीड़ इतना है कि लोग जो है कदम रखने की जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये मांझी परगना महल का एक बड़ा महासम्मेलन, और इस महासम्मेलन में जब मुख्य मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठी और घुसपैठियों को लेकर, वो एक बड़ा ऐलान हो सकता है कि मांझी परगना के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो गुस्से में हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में है। कहीं ना कहीं वो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर अब ये वक्त है और इस वक्त अगर हम लोग एक नहीं हुए तो आने वाला दिन जो है यहाँ बांग्लादेश का जो हाल हुआ था वो यहाँ पर हो जाएगा। तो उसको लेकर लोगों के अंदर एक गुस्सा और उत्साह अपने मुख्य अतिथि को देखने और सुनने के लिए। जी बिल्कुल मनोज, और कब तक चंपाई सोरेन वहाँ पहुँच जाएंगे, अभी तक क्या कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए 10 से 15 मिनट और वक्त लगेगा, 15 मिनट के अंदर में वो हेलीपैड है इससे थोड़ी दूर लगभग 200 मीटर की दूरी पे वहाँ पे उतरेंगे, और उसके बाद सड़क मार्ग से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुँचेंगे, यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद में वो भोजन करेंगे यहाँ के मांझी परगना महल के लोगों के साथ, जो मांझी परगना के जो मांझी बाबा है उनके साथ भोजन करेंगे, और उसके बाद तब यहाँ से राजधानी रांची के लिए वापस होंगे। लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के कारण उनके कार्यक्रम में तब्दीली हुआ, दोपहर 2 बजे का टाइमिंग हुआ, क्योंकि ये पहले 11:30 बजे का टाइमिंग था लेकिन बारिश के कारण, लेकिन बारिश अभी थम गई है, अब थोड़ी देर में वो लैंड करेंगे, रांची से उड़ चुके हैं और ज्यादा वक्त नहीं, 10 से 15 मिनट में वो पाकुड़ के सरजमी पे पहुंच जाएंगे। जी चलिए नजर बनाए रखिएगा मनोज, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें देने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।